गुजरात में जो हालात हैं वो हम सब जानते हैं। गुजरात में इन दिनों आसमान से आफत की बारिश हो रही है, इससे बीच मिशन जिंदगी भी लगातार जारी है। दक्षिणी गुजरात के ज्यादातर इलाके बाढ़ और बारिश की चपेट में आए हुए हैं। गांवों, कस्बों, शहरों, हर तरफ आप सिर्फ सैलाब देख सकते हैं। सड़कों पर समंदर है, कई जगह रेलवे ट्रैक्स पर पानी है। गुजरात के 18 जिलों का हाल बेहाल है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। द्वारका और पोरबंदर में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। इन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू करना पड़ा। वडोदरा में तो पूरे शहर में पानी घुस गया। जामनगर में पानी का तेज बहाव सड़क पर चलती एक कार को बहा ले गया। इस कार में बैठे दो लोगों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार मिशन जिंदगी में लगी हैं। करीब 18,000 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है। तो तस्वीरें आप गुजरात के कई इलाकों की देख रहे हैं, जहां पर तमाम इलाके जलमग्न होते हुए भी देखे जा सकते हैं। लेकिन यहां पर राहत वाली बात यह है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान लगातार अपनी ड्यूटी में लगे हैं, और जो लोग जिन इलाकों में फंसे हुए हैं पानी के तेज बहाव में, वहां से उनको बाहर निकालने का काम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। तो गुजरात में जिंदगी जो है वो वापस पटरी पर लौटते हुए आप देख सकते हैं। मिशन जिंदगी को धार दी जा रही है और मिशन जिंदगी में लगे हैं हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के देवदूत। मुसीबत आसमानी, गुजरात पानी पानी, आफत का रेड अलर्ट, सैलाब से रहे सतर्क, दूसरी एजेंसियों के साथ सेना ने संभाली कमान, क्योंकि हर जिंदगी जरूरी है। एक एक तस्वीर को देखिए कैसे गुजरात पर आसमानी आफत बरसी है। बादल मानो अपनी मनमानी पर उतरे हैं। लगातार बारिश होने से तमाम नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इन मुश्किल हालात में राहत और बचाव टीमें लगातार लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। सेना भी मोर्चे पर डट गई है, वो लोगों को मुसीबत से बाहर निकाल रही है। ये गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हैं, जहां देखो वहां पानी ही पानी। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन सेना के जवानों के आगे हर आफत ने सरेंडर कर दिया है। कीर्ति मंदिर के पीछे पानी के भंवर में 35 लोग फंस गए थे। सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच वडोदरा से ही एक और तस्वीर सामने आई। सावली समा रोड पर बाढ़ के पानी में फंसी एक गर्भवती महिला को रेस्क्यू किया गया। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने दूसरी राहत एजेंसियों के साथ मिलकर उसे नई जिंदगी दी। महिला के साथ उसके पति को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। दरअसल बाढ़ और बारिश के बीच सेना भी लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रही है। बलखाती लहरों का भी इनके सामने जोर नहीं चल रहा। ये जाबाज आफत के बीच लोगों को बड़ी राहत दे रहे हैं। अब जामनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम दूसरी तमाम एजेंसियों के साथ मैदान में उतरी। तेज बहाव के बीच सीढ़ी लगाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इस दौरान जामनगर नॉर्थ से विधायक रिवाबा जाडेजा भी मौजूद रही। वो हर एक एक्शन प्लान पर बारीकी से नजर बनाए हुई थी। जामनगर ही नहीं, पोरबंदर में भी नदियां उफान पर हैं। पानी मानो सब कुछ निगलने को तैयार है। इन सब के बीच यहां से ये राहत वाली तस्वीरें सामने आई। मोराना गांव के सीम इलाके में पानी में फंसे एक शख्स को नौसेना की मदद से बचाया गया, जबकि कोस्ट गार्ड के जवानों ने पोरबंदर में ही 10 से अधिक लोगों को एयरलिफ्ट किया। दरअसल पोरबंदर के कई इलाकों में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो सेना और नौसेना की मदद से एक साथ बचाव अभियान चला रही है। उधर द्वारका के टी टोडी गांव में एक खेत में पानी ज्यादा भर जाने के कारण एक किसान वहीं फंस गया, जिसके बाद नौसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए किसान को एयरलिफ्ट किया गया। मकसद साफ है, हर हाल में जिंदगी को बचाना है। दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सेना के जाबाज इस मिशन को हर चुनौती में भी पूरा करने में जुटे हुए हैं। जामनगर से ब्रजेश दोषी और वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरा गुजरात इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। कई जिंदगी पानी में फंसे हैं, जिन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना, वायुसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड मोर्चे पर जुटे हैं। द्वारका के कल्याणपुरा में आज सुबह करीब 7:45 बजे सेना ने राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपके सामने। हेलीकॉप्टर से सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आसमानी आफत में सेना
देवदूत बन के सामने आई। द्वारका के कल्याणपुरा में पानी में फंसे चार लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कर उनकी जान बचा ली। भारी बारिश की वजह से चार लोग जिनमें दो महिलाएं और दो शख्स पानी में फंसे थे, जिला प्रशासन ने सेना को सूचना दी। इसके बाद सेना के जवानों ने मौके पर पहुंच के हेलीकॉप्टर से उन लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया। गुजरात में मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें आपके सामने। देवदूत बन के सेना ने हेलीकॉप्टर से ये रेस्क्यू किया और कई जानें बचाई। देखिए, गुजरात में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ ऐसा ही हाल पाएंगे, क्योंकि गुजरात के मैक्सिमम इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज गुजरात के 33 जिलों में से 11 जिलों में रेड अलर्ट, तो बाकी 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे गुजरात में अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। अकेले पोरबंदर में पिछले 2 दिनों में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 39 जिंदगियों का रेस्क्यू किया, जिसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। द्वारका में जोरदार बारिश से सब कुछ डूब गया है। शहरी इलाकों के साथ साथ निचले इलाकों में पानी भर गया है। इन सबके बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक सोसाइटी में 25 लोग पानी में फंस गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने बोट के सहारे इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। द्वारका इलाके में बीते 24 घंटे में 18 इंच से अधिक बारिश होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार लोगों के लिए राहत बन के मौके पर पहुंच रही है। और देखिए, गुजरात के छोटा उदयपुर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां मोती टोकरी गांव में उफंती नदी में एक लड़की फंस गई थी, जिसके बाद फायर टीम ने स्थानीय तैराकों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी के दोनों छोर तक रस्सी बांध दी गई, फिर इसके सहारे उफंती धारा के बीच से लड़की को सकुशल बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3.5 घंटे तक चला, उसके बाद इस लड़की की जिंदगी को बचाया गया। गुजरात के जूनागढ़ में भी बाढ़ और बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी। इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि मनावादर और पोरबंदर के बीच 7 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। पानी के तेज बहाव के बीच रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला और तेज बहाव के बीच दो तरफ रस्सी को मजबूती से बांधा गया। पानी की धार की चुनौती के बीच एक एक करके लोगों को धीरे धीरे वहां से निकाल लिया गया। देखिए, जामनगर में मांगरोल का घेट विस्तार लगातार तीसरी बार समुद्र जैसा बन गया है। यहां सांधा, हंटरपुर, समरडा, बक्सरा घेट, ओसा, फुलरा जैसे कई गांव से संपर्क टूट चुका है। ऐसे हालात में बक्सरा घेट में एक बीमार महिला को नाव से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही तालुका विकास अधिकारी और डॉक्टर्स की टीम एनडीआरएफ की टीम के साथ गांवों में जाकर बीमार व्यक्तियों का रेस्क्यू करने पहुंची है। मेखड़ी गांव से सभी लोग दूसरे गांवों की ओर जा रहे हैं। घेट के हालात और भी बद से बदतर हो चुके हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और प्रशासन लोगों की जरूरी मदद करने में लगातार जुटे हुए हैं। वडोदरा में तो ज्यादातर रिहायशी इलाके इन दिनों पानी पानी हो गए हैं। पूरे शहर में जहां देखो सिर्फ पानी नजर आ रहा है। कुछ जगहों पे तो सड़कों पे कई फीट पानी जमा है। इस पानी में कारें डूब रही हैं। पानी की वजह से कई गाड़ियां सड़क पे फंसी पड़ी हैं। गुजरात के कच्छ में मौजूद मांडवी में भारी बारिश के साथ तेज रफ्तार हवा की वजह से एक जहाज समंदर में चला गया। सलाया का ये जहाज रस्सी टूट जाने की वजह से समंदर के अंदर चला गया, जिसका वीडियो सामने आया है। ये जहाज मांडवी में एंकर किया हुआ था, लेकिन तेज हवा के कारण रस्सी टूट गई और जहाज पानी में बहने लगा। और ये नाव की तस्वीरें आप देख सकते हैं।
यहां पर तूफान आने की वजह से नाव जो है वो पानी के तेज बहाव में फंस गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये नाव मांडवी में एंकर की हुई थी, लेकिन तेज हवा के चलते इसकी रस्सी टूट गई और इससे पानी में बहने लग गई। गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी के बाद कई शहरों और जिलों में भारी बारिश के साथ हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के पाटन में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद खूब बारिश हुई। अभी वहां कैसे हालात हैं ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। पूरी की पूरी सड़क पानी से कट गई है। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सड़क कट कर दो टुकड़ों में बट गई, जिससे आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। आवाजाही के लिए सड़क के बगल में जेसीबी की मदद से पुल बनाया जा रहा है, जिससे इलाके का संपर्क बहाल किया जा सके। अब ये वीडियो देखिए, जामनगर इलाके की है। जामनगर में एक रिहायशी इलाके में पानी की रफ्तार ने लोगों को डरा दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे नदियां उस इलाके से होकर बह रही हों। ऐसे में डरे सहमे इलाके के लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, राहत और बचाव टीम का इंतजार करने लगे। फिर रेस्क्यू टीम के जवान वहां पहुंचे, उन्होंने रस्सी के सहारे एक मकान में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। दूसरी तरफ दो मकानों की छतों पर सीढ़ी का पुल बनाया और फिर उस पर चलकर बच्चे और दूसरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जामनगर की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बाढ़ बारिश के दौरान खतरा किसी भी पल दस्तक दे सकता है। इस वीडियो में सड़क पर लबालब पानी भरा है। एक कार इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी के तेज बहाव ने कार को सड़क के नीचे उतार दिया। बाढ़ का पानी कार को बहाते हुए सड़क से करीब 50 फीट दूर तक ले गया। इस कार में दो लोग सवार थे, दोनों की जान जोखिम में पड़ गई, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। काफी देर की मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। देखिए सैलाब की ये तस्वीरें गुजरात के भुज की हैं। यहां सैलाब के बीच एक कार फंस गई। इस गाड़ी में दो लोग सवार थे। पानी का बहाव इतना तेज होने के बावजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कड़ी मशक्कत से रस्सी के सहारे सैलाब में फंसे इन लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और खबरों में रुख करते हैं दिल्ली का। अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में चमाचम बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगह जलभराव के हालात बन गए थे, जिसकी वजह से दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि देश भर के साथ साथ दिल्ली में भी इस तरह ट्रैफिक की सिचुएशन है। पानी जगह जगह भरा हुआ है, लोग घंटों जाम में फंस कर अपने दफ्तरों को पहुंच रहे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन इस पानी को निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन उसमें देरी होने की वजह से काफी ट्रैफिक जाम हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने, बारिश में दिल्ली में जाम लगा हुआ है। दिल्ली में झमाझम बारिश रात भर से ही हो रही है और जल भराव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। चलिए तस्वीरें तो आपने देख ली हैं, जो तस्दीक करती हैं कि दिल्ली के हालात कैसे हैं तमाम इलाकों के। मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं बताने के लिए कि फिलहाल दिल्ली जलमग्न हो चुकी है। मनीषा, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो दिखाइए और बताइए क्या है तस्वीरें। और दिल्ली पानी पानी हो चुकी है, तमाम इलाकों में क्या हालात हैं? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको तस्वीरें लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं, जहां पर पानी में रेंगती हुई गाड़ियों की रफ्तार किस प्रकार से धीमी पड़ गई है वो आप देख सकते हैं। देश के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, जो कि थोड़ी सी बारिश अगर हो जाती है उसके बाद किस तरह से बदल जाती है वो आप देख सकते हैं। मनीषा जुड़ गई हैं। मनीषा दिखाइए आप इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद हैं, वहां पर क्या हालात हैं? मनीषा मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल शगुफ्ता, मैं इस वक्त कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। हालांकि आपने सही बोला, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है। बुधवार रात से ही जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार इस तरीके से चालू है कि सुबह के टाइम जो है दफ्तर जाने वाले लोगों को बिल्कुल दिक्कत मिली, लेकिन उसके साथ कहते हैं ना राहत और आफत दोनों साथ में ही आती है, तो राहत तो मिली है, नहीं आफत तो आई लेकिन राहत आप देख सकते हैं कि इस वक्त इंडिया गेट का क्या हाल है। मतलब आप देख सकते किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पे जो है मौजूद है, क्योंकि लोग उम्मीद ही राहत की करते हैं कि हमेशा हमें राहत मिले, और इसी बारिश का जो है लोगों को इंतजार रहता है। और आप देख सकते कितनी भारी मात्रा में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, वीकेंड पास में आ रहा है, तो लोगों को ये राहत जो है बेहद ही राहत आ रही है। आप देख सकते हैं कि रात कितनी ज्यादा लोगों के अंदर जो है खुशी है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग इंदौर से, आर्यन कपूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से आए हैं। अच्छा, सब एंजॉय कर रहे हैं वेदर आज का? हाँ, बहुत ज्यादा। ट्रैफिक मिला कहीं? ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला दिल्ली में? थोड़ा तो ट्रैफिक है, काफी ट्रैफिक, पानी भर गया था काफी जगह पर। तो किसी तरीके से कोई, इंदौर का क्या हाल है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, नंबर वन इंदौर, नंबर वन। दिल्ली कैसा लग रहा है? दिल्ली कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है दिल्ली, इंदौर भी अच्छा है, दिल्ली भी अच्छा है हमारा, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके दिल्ली। यहाँ अपने अपने राज्यों की बात हो रही है, लोगों के चेहरों पे खुशी देख लो कि किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा, बढ़िया बढ़िया। मनीषा, मौसम तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन वाकई में दिल्ली में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के बाद दिल्ली के अस्पतालों में महिला चिकित्सा कर्मियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास मिल रहा है। कोलकाता आरजीकर में हुए मामले के बाद से मेडिकल स्टाफ, खासकर की महिला मेडिकल स्टाफ के मन में चिंता है। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स अपनी ड्यूटी पर लौट आए हैं, लेकिन उनके मन का डर कम नहीं हुआ है। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां चिकित्सा पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में हुआ हो देश के सभी अस्पतालों में हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होती हैं जो अमूमन देश के हर हिस्से में दिखाई पड़ती हैं, और वो है डॉक्टरों के साथ मारपीट, खासकर इमरजेंसी एरिया में या दूसरे में जो तीमारदार होते हैं, अक्सर डॉक्टरों के साथ हिंसा होती है। लेकिन जो आरजी कार में हुआ उसके बाद एक सवाल जरूर उठता है कि क्या अस्पतालों में काम करने वाली हमारी महिला डॉक्टर, हमारी नर्स, दूसरे जो पैरामेडिक स्टाफ हैं और स्टाफ हैं जो अस्पताल में काम करती हैं, महिला सिक्योरिटी हैं, क्या उनके ऊपर जो एक संकट है वो कम हो चुका है? आरजी कार में जो कुछ हुआ, क्या ऐसी घटनाएं दूसरी जगहों पर हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो क्या देश तैयार है हमारे उन महिला कर्मचारियों को, उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को सुरक्षा देने में? क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर एक जगह हुई हैं तो कहीं और भी हो सकती है। महिला मेडिकल स्टाफ के मन का डर कम हो, आत्मविश्वास बढ़े, इसलिए दिल्ली के एक अस्पताल में सराहनीय पहल की गई है। तस्वीरों में आप जिन महिलाओं को ट्रेनिंग लेते देख रहे हैं, ये राजधानी के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल की है, जहां महिला चिकित्सा कर्मचारियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो खतरे से निपटने के गुर सीख सके। महिला चिकित्सकों का मानना है कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण उन्हें सुरक्षित महसूस कराने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारी ड्यूटी इस एंगल से है तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, लाइक ये सब झेलना पड़ सकता है, पर हमारा फोर्टिस टीम इस चीज के लिए ही इज ऑलवेज है, मतलब लाइक उनकी सेफ्टी लेवल, द गार्ड्स, द कंट्री टीम्स दे आर हैविंग, दे आर मच बेटर। नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ आत्मरक्षा प्रशिक्षण की इस पहल में खुशी खुशी भाग ले रहे हैं और किसी भी खतरे से खुद को बचाने के कौशल सीख रहे हैं। इनमें से कुछ तो इस ट्रेनिंग से इतने प्रभावित हैं कि वो अब अपनी बेटियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं। बिल्कुल जरूरत है, और मैं बल्कि बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप उठाया है हम सबके लिए, हमारी सेफ्टी के लिए,
तो ये बहुत जरूरी है। इवन मेरे भी दो बेटियां हैं, मैं भी चाहूंगी अब मेरे को यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ मेरे बच्चों को भी सीखना चाहिए। हम लोग बहुत खुश नसीब है कि फोर्टिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है हॉस्पिटल फील्ड में, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और भी जगह होता है लेकिन सामने नहीं आता है। मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट अनुरोध है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग हमें मिल रही है ये हर अस्पताल में, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटा हॉस्पिटल हो, 20 बेड का हॉस्पिटल हो, ये ट्रेनिंग हफ्ते में या महीने में जरूर हमारे महिलाओं को उपलब्ध कराई जाए और ये कंपलसरी हो। सर, यू फील अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर दिस? सर, पहले तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, पर पता था कि हमें थोड़ा बचाव करना है। कभी लाल मिर्ची बैग में रख लिए, छोटा सा चाकू रख लिए, पर ये जो सेशन हुआ है ना सर, इससे थोड़ा हम सब में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और मैं मेरे फ्रेंड्स से, महिलाओं से मैं यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम सब में इम्यूनिटी पावर अलग है, ताकत की क्षमता अलग है सर। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी ने हाथ बहुत जोर से पकड़ा है तो बचाव करने में मुश्किल जा रहा था। मैं इतना ही कहना चाहूंगी मेरी भारतीय फ्रेंड्स महिलाओं से, हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। तुम एक कदम चलकर देखो तो वह दो कदम चलकर आती है। इस कार्यक्रम में लगभग 600 महिला चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें अगले 7 दिनों में विभिन्न प्रकार की आत्मरक्षा तकनीकों से प्रशिक्षित किया जाएगा। इन तकनीकों में घूंसे, कोनी से वार, अवरोधन, आंखों पर हमला तथा बालों और हाथों की पकड़ से बचने के तरीके शामिल है। इसके अलावा प्रशिक्षण में रोजमर्रा की वस्तुओं का तात्कालिक हथियारों के रूप में प्रभावी उपयोग शामिल होगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो किसी भी स्थिति में खुद का बचाव करने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल यहाँ महिला चिकित्सा स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए सभी तरह के हथकंडे और रणनीति सिखा रही है। उनका कहना है कि ये कुछ बुनियादी हथकंडे हैं जिन्हें महिलाओं को मुश्किलों में किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए सीखने की जरूरत है। लेट नाइट हम बाहर भी निकलते हैं, महिलाएं जॉब के लिए अपने बाहर जाती है आती हैं, तो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, हमें बाहर जाने से डर लगता है। उस डर को निकालने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनने के लिए हमें अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के समय में हर लड़की और महिला के लिए आत्मरक्षा तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम इन महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा कौशल से लैस करेगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि वो खुद की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार और आश्वस्त है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए हिंदुस्तान की महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो सभी दावे खोखले रह जाते हैं। लेकिन अब सही समय है इन आत्मनिर्भर महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का, उन्हें मजबूत करने का। जो घटना कोलकाता में हुई, जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन कभी भी ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है। और इसीलिए दिल्ली में एक शुरुआत हुई है, जहां अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और हर उस खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो उनके सामने कभी भी आ सकता है। दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक खास वीडियो। राहुल गांधी ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर यह खास वीडियो खुद एक्स पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें राहुल गांधी ब्राजीली सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स जियू जित्सू की प्रैक्टिस करते हुए देखे जा सकते हैं। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वो अपने साथी यात्रियों के साथ मिलकर इस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे। इसके जरिए उन्होंने जगह जगह बहुत से छात्रों और युवाओं को अपने मिशन के साथ जोड़ा। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि यह न केवल उनके लिए फिट रहने का जरिया था, बल्कि समाज में सद्भावना फैलाने का शानदार तरीका था। राहुल गांधी ने लिखा कि इसका उद्देश्य हिंसक प्रवृत्ति को मोहब्बत की ओर मोड़ना है, ताकि सुरक्षित और सहानुभूतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके। अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम में से सिर्फ दो को मिला के करो, करो दो को करो, एनर्जी हुई उतनी एनर्जी है, एक को करो, नहीं है ना, पांचों की एनर्जी जब एक हो गई तब आप बहुत गंदे हो, और मेरे को उससे ज्यादा एनर्जी से यूनिवर्स ने वापिस दिया। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा आपकी लाइफ? अब हो रहा है ना? इसको, 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 इसको कैसे हराएंगे, इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे हम? तो जब आपने मुझे धक्का दिया तो मैं उसको ऐसे कर दूंगा।
फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? कौन सी आग? ज्यादा एनर्जी वाली, टाइटेस्ट आग आने वाली है, मेरे को सबसे बढ़िया। सेना से जुड़ी फायर एंड फ्यूरी कोर वाकई शानदार है। इस साल वो अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पे कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेह से सियाचिन समेत 3 जगह रैलियां रवाना हुई। इनका मकसद क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, साथ ही इनके जरिए लोगों को भाईचारे और खेल भावना का संदेश दिया जाएगा। भारत माता की जय के नारों के साथ लेह से ये 3 रैलियां खास अभियान के लिए रवाना की गईं। इनमें 1 बाइक रैली तो 2 साइकिल रैली शामिल रहीं। श्रीमान नायक प्रसाद, साइकिलिस्ट नंबर 2 साहब। इस रैली को फायर एंड फ्यूरी कोर के द चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल डीके सिंह ने झंडी दिखाई। दरअसल सेना से जुड़ी ये फायर एंड फ्यूरी कोर इस साल अपनी सिल्वर जुबली मना रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें लेह से भी ये 3 रैलियां रवाना की गईं। इनका मकसद क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, साथ ही इनके जरिए भाईचारे और खेल भावना का भी संदेश दिया जाएगा। ये रैलियां लेह से सियाचिन बेस कैंप, हानले उमलिंग ला और कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए रवाना की गईं। फायर एंड फ्यूरी कोर है, इसके 25 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो हम सिल्वर जुबली बना रहे हैं और साथ ही साथ लद्दाख के डेवलपमेंट में और यहाँ के लोकल एरिया के लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि यहाँ आर्मी ने कितना डेवलपमेंट में योगदान दिया है, तो वो अवेयरनेस के लिए रास्ते के अंदर हम करेंगे, जहाँ पे हम बच्चों से मिलेंगे, सिविलियन से मिलेंगे, वेटरन से मिलेंगे और अवेयरनेस फैलाते हुए रास्ते करेंगे। सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर वाकई बेमिसाल है। इसकी स्थापना साल 1999 में हुई थी। ये लेह और दूसरे पहाड़ी इलाकों में तैनात है। मुश्किल हालात में भी यह हर वक्त किसी भी चुनौती से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है। फायर एंड फ्यूरी कोर की इन रैलियों में अग्निवीर से जुड़े जवानों को भी शामिल किया गया। ऐसे में वो भी प्रतिभागी बनकर काफी खुश नजर आए। खास चीज ये है कि आप अग्निवीर से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपने सीनियर्स के साथ साइकिल एक्सपीरियंस, कितना फख्र महसूस हो रहा है अपने आप को, सियाचिन जा रहा है। हम तो बहुत खुशी में, हमारा सीनियर से हमको बहुत गाइड किया कैसा जाना, कैसा प्रिकॉशंस लेना, कैसा जाना करके, हम तो फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस में जा रहा हूँ। जाहिर है भारतीय सेना और उससे जुड़ी एक एक टुकड़ी, एक एक यूनिट, एक एक कोर, एक एक बटालियन अपने आप में अव्वल है। फायर एंड फ्यूरी कोर ने भी हर चुनौतीपूर्ण समय में ये साबित किया है। शायद ऐसी ही छोटी छोटी कोशिश और पहल ही उसे बेस्ट बनाते हैं। लेह से बाकिर चो, गुड न्यूज टुडे। अरुणाचल प्रदेश के लिए गुड न्यूज आई है। यहां के कोलोरियांग शहर की लाइफलाइन कुरुंग पुल को बहाल कर दिया गया है। कोलोरियांग शहर जो भारत चीन सीमा के पास स्थित है, भारी बारिश के चलते इसे अरुणाचल प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है, जो फिर से भारत के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ गया है। चीन की सीमा पर स्थित नगरों के लिए अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में लाइन ब्रिज फिर से तैयार कर खोल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले का कोलोरियांग शहर जो भारत चीन सीमा के पास स्थित है, भारी बारिश के चलते जिसे अरुणाचल प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ये एक बार फिर देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ से आने जाने वालों के लिए कुरुंग पुल को बहाल कर दिया गया है। कोलोरियांग के विधायक पानी ताराम खुद कुरुंग ब्रिज के शुभारंभ के लिए पहुँचे। ये पुल 28 जून को हुए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड के चलते बह गया था, इसे अब NHIDCL ने फिर से खड़ा कर दिया है। कि ये जो आज ब्रिज है, 2 महीने के बाद आज हम पूरे दुनिया से कोलोरियांग फिर कनेक्ट हो गया। आपको पता है कि 2 महीना पहले बहुत यहाँ पे हैवी बारिश हुआ और फ्लड की वजह से ये ब्रिज जो वास आउट हो गया था, और आज जो है ये ब्रिज जो है फिर से आज कनेक्टेड हो गया, ओपनिंग हो गया। अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश, लैंडस्लाइड
और भूस्खलन में सबसे ज्यादा कुरुंग कुमे जिला ही प्रभावित हुआ था। प्राकृतिक आपदा में कई सड़कें और आरसीसी पुल बह गए, इसी में कुरुंग पुल भी बह गया था, जिसके चलते जिले का संपर्क पूरी दुनिया से कट गया था। लेकिन ऐसे वक्त में भी डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में पुल के पुनर्निर्माण का काम चलता रहा। देखिए, जितना पार्शियल रेस्टोरेशन था थोड़ा सा ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए, वो बीआरओ ने और लोकल डिपार्टमेंट्स ने, आरडब्ल्यूडी ने क्लियरेंस कर दिया था, लेकिन प्रॉपर हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट ना होने की वजह से जो हैवी पार्ट्स थे, ब्रिजेस थे, दे वर नॉट एबल टू क्रॉस थ्रू। तो आज जब ये ब्रिज ओपन हो गया है तो इसकी वजह से हैवी व्हीकल्स का प्लाइंग भी हो जाएगा एंड बीआरओ के ऑल दी ऑफिशियल्स आर वर्किंग ऑलरेडी एंड कल 30th को ही हम उन व्हीकल्स का मूवमेंट करा के सरली कोलोरियंग के रोड का ब्रिजेस और रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट हो जाए। कुरुंग कुमे जिले के लिए कुरुंग पुल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से होकर ट्रूप्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस LAC की फॉरवर्ड पोस्ट्स की ओर जाते हैं। इसलिए महज 58 दिन के भीतर इस पुल को खड़ा कर देना पूरे राज्य के लिए एक रिकॉर्ड बना देने जैसा है। पुल को खड़ा करने के लिए NHIDCL, RWD, BRO, DDMO, जिला प्रशासन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म जुटी रही। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी वक्त पर पर्याप्त फंड के जरिए मदद की, जिसके चलते पुल के पुनर्निर्माण का काम जल्द से जल्द किया जा सका और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। और अब ये पुल आम लोगों की मुस्कान वापस लाने का सबब बन चुका है। युवराज मेहता, कोलोरियांग, गुड न्यूज टुडे। पेरिस में पैरालंपिक खेलों का आगाज हो चुका है, आज से इसमें मुकाबले शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी आज पैरा बैडमिंटन समेत 7 खेलों में अपना दमखम दिखाएंगे। इससे पहले कल इसकी रंगारंग ओपनिंग हुई। ये पैरालंपिक गेम्स 8 सितंबर तक चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खिलाड़ियों को इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस भव्य समारोह के साथ पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। इसे लेकर वहां खेल प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस ओपनिंग सेरेमनी में जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और शॉट पुट से जुड़ी भाग्यश्री यादव भारत की ध्वजवाहक के रूप में शामिल रहीं। दोनों के साथ भारतीय दल भी मौजूद रहा। इस बार पैरा ओलंपिक गेम्स 8 सितंबर तक होंगे, यानी ये गेम्स 11 दिनों तक चलेंगे। इन गेम्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय दल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 140 करोड़ भारतीय पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे दल को शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रत्येक एथलीट का साहस और दृढ़ संकल्प पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर कोई अपनी सफलता के लिए प्रयासरत है। तो इस तरह पैरा ओलंपिक खेलों का आगाज हो चुका है, आज से इसमें मुकाबले शुरू हो जाएंगे। आज भारत पैरा बैडमिंटन, पैरा तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग और तीरंदाजी में हिस्सा लेगा। भारत ने इन गेम्स में खिलाड़ियों का अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। इनमें 84 खिलाड़ी शामिल हैं। यहां भारत 3 नए खेलों में हिस्सा ले रहा है। इसके साथ ही भारत की भागीदारी बढ़कर 12 गेम्स तक पहुंच गई है। इससे पहले साल 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। तब भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस तरह भारत 24वें स्थान पर रहा था। ये इन गेम्स में देश का बेस्ट प्रदर्शन था। अब उम्मीद है कि भारत टोक्यो का प्रदर्शन पेरिस में भी दोहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने इको फ्रेंडली गणेशा को प्रमोट करते हुए अपने हाथों से करीब 2000 गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई हैं। लोगों के लिए आइडियल बने बच्चों की इस शानदार पहल का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे, सिंगर सोनू निगम यहां पर पहुंचे। इस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यांग फाउंडेशन, मुंबई पुलिस और BMC की साठगांठ से हुआ। बच्चे बोले मोरिया,
मुंबई में इस नाम से लगी बच्चों की एक प्रदर्शनी, जिसके लिए बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से करीब 2000 इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बनाई। बच्चों के इस काम का उत्साह वर्धन करने प्रदर्शनी में सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और सोनू निगम जैसी हस्तियां पहुंची। सलमान खान को देखते ही बच्चे उत्साह से भर गए। खुद सलमान ने न केवल बच्चों की शानदार पहल को सपोर्ट किया, बल्कि बच्चों की खुशी की खातिर उनके लिए डांस भी किया। इस इवेंट में पहुंचे सलमान और अन्य कलाकारों ने लोगों से इको फ्रेंडली तरीके से गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, आप लोगों ने बहुत सारे गणेश बनाए हैं, इको फ्रेंडली गणेश वही चाहिए हम सब लोगों को। हमारे परिवार में हम जब गणेश लाते हैं, गणेश जी लाते हैं घर पे, तो हम इको फ्रेंडली ही लाते हैं। पहले करते थे नॉर्मल गणेश करते थे, उसके बाद में जब ये इको फ्रेंडली का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोग इको फ्रेंडली ही करते हैं। पहले हम समंदर में बहाते थे, आज अपने घर के टब में बहाते हैं। दिव्याज फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस इवेंट में मुंबई पुलिस और BMC भी अहम हिस्सा रहे। इस आयोजन का नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने किया। आज एक ऐसा कार्यक्रम है विच सेलिब्रेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा आने वाला गणेशोत्सव है 7th of September को, हम सब जानते हैं, बट ये जो हमारा त्योहार है इसको हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं, हाउ टू ब्रिंग इट क्लोजर टू नेचर, हाउ टू मेक इट इको फ्रेंडली, ये उसका पूरा एक ब्यौरा है। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश जी की मूर्तियां चिकनी मिट्टी और क्ले से बनाई गईं, जो बड़े आसानी से पानी में पिघल जाती हैं और पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। मुंबई महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में परिसर दूषित न हो, साफ सफाई का ध्यान हो, इस उद्देश्य से बच्चे बोले मोरिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुंबई के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों ने लड्डू जैसे गणेश जी की प्रतिमा इको फ्रेंडली बनाई है, जो लड्डू खाते हैं लड्डू की तरह दिख रहे हैं। BMC ने और मुंबई पुलिस ने भी इस पहल का समर्थन किया है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सहित कई सेलेब्स भी बढ़ावा देने के लिए बच्चों को स्थल पर पहुंचे हैं और इन एक एक मूर्तियों को मुंबई के दूसरे गणेश पंडालों को भी दिया जाएगा, ताकि इको फ्रेंडली का ये जो पहल है इसे ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम किसी महान और कामयाब व्यक्ति की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं। डालते हैं नजर आज के विचार पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ कल। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए GNTV।